सो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शुभम। और गाइज़ यहां पे मैं आपको एक बहुत ही कमाल की चीज़ बताने वाला हूं। गाइज़ आप सबको पता होगा कि जब भी आपका फ़ोन में फालतू चीज़ें भर जाती हैं और आप कभी कभी ऐसा होता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको डिलीट करनी पड़ती हैं स्टोरेज कम होने की वजह से, तो गाइज़ यहाँ पर उसका सोल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। गाइज़ अगर आप एक स्टूडेंट हो तो जैसे मान लीजिए आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट हो तो आपको क्या होता होगा, हर सेमेस्टर में आपको नए नए मतलब एक सेमेस्टर गुजरा तो उसके सारे नोट्स जो हैं आप उसे डिलीट करके मार्क लगा के डिलीट कर देते होगे। तो गैज़ यहाँ पे मैं आपको तरीका एक बता रहा हूँ। गैज़ आपको डिलीट नहीं करना है, आपको उसको कहीं अपलोड कर देना है ताकि इन फ्यूचर आपको उसकी ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो उसके लिए आप दोस्तों टेलीग्राम ऐप जो आप लोग बगल में देख पा रहे हो इसे आप लोग डाउनलोड कर लो। इसमें अनलिमिटेड स्टोरेज होता है, आप अपलोड कर दोगे जो चीज़ इन फ्यूचर कभी भी डाउनलोड करना चाहो तो वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। कैसे करना है वो सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, ओके। इस मुझे फॉलो करते रहिए। आपको अपना फाइल मैनेजर खोलना है और इसके बाद सिंपली जिस भी फोल्डर में आप जहाँ पर भी आपके सारे डॉक्यूमेंट हैं, मैक्सिमम आपके लोग के सारे डॉक्यूमेंट आपके व्हाट्सएप पे होते हैं तो व्हाट्सएप पे आपको जाना है। सिंपली व्हाट्सएप वाला यहाँ पे फोल्डर चुनना है। तो मैं गाइस अभी आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये देखिए व्हाट्सएप का ये है, ठीक है फोल्डर, इसको मैं खोलता हूँ। उसके बाद से यहाँ आपको नीचे मीडिया पर क्लिक करना है। उसके बाद से यहाँ देखिए लिखा है व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट, इसके अंदर आपको सारी आपकी PDF मिल जाएंगी, आपके नोट्स होंगे कॉलेज के जो भी सेमेस्टर भर के हैं। तो गाइस अब आपको चाहिए स्टोरेज अगले सेमेस्टर के नोट्स को भरने के लिए और आप क्या करते हो उसको मार्क लगा के डिलीट कर देते हो, तो आपको सिंपली क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको सिंपली जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट मैंने ये खोला, ठीक है, तो यहां देख सकते हैं गाइस ये कुछ PDF पड़ी हुई हैं। तो मैं क्या करूंगा इसको क्या करता हूं, जिप फाइल बना लेता हूं, ओके, और उसको मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे कहां अपलोड करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। गाइस सिंपली आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये देखिए जितने PDF हैं आपको एक बार ऐसे मार्क लगा लेना, यहां देखिए ऊपर लिखा है सेलेक्ट ऑल, इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद से यहां पर चाहे तो ऊपर वाले फोल्डर भी आप इसमें ले सकते हो, ठीक है। तो हालांकि मैं यहाँ सेंड वाली चीज़ें अभी नहीं ले रहा हूँ ताकि कम रहे। तो यहाँ देखिए 198 फाइल सेलेक्टेड लिखा हुआ है, तो यहाँ जितनी हैं सब नीचे आपको PDF ही मिलेंगी, फोटोज़ वोटोज़ हैं कुछ वो भी सारी चीज़ें मतलब जो डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आती हैं वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब आपको क्या करना है सिंपली यहाँ देखिए नीचे मोर लिखा हुआ है, मोर के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ देखिए लिखा है कंप्रेस फाइल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर अब इससे उसका नाम पूछ रहा है तो यहाँ पर मैं इसका नाम डाल देता हूँ व्हाट्सअप, ठीक है व्हाट्सएप PDF, ठीक है 2020, ओके, और इसको कंप्रेस पे क्लिक कर दूंगा। तो गाइज़ ये जितनी भी इसमें आपको PDF दिख रही थी पीछे इन सब का एक वो बन जाएगा, मतलब एक समझ लीजिए जिप फाइल में सारी चीज़ें आ जाएंगी। आप लोग लगभग कंप्लीट होने वाला और ये कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर गाइज़ देखिए जो मैंने जिप फाइल बनाई थी वो 118 MB की बनी हुई है, ये देख सकते हैं आप लोग ये वाली, ठीक है। अब इसे मैं क्या करूँगा, इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ देखिए आपको टिक लगा हुआ है। अब इसको मुझे क्या करना है, अपने टेलीग्राम पर अपलोड करना है, टेलीग्राम के सेव्ड मैसेज वाले फोल्डर में। कैसे करना है वो भी मैं बता रहा हूँ। अगर ऐप पहली बार डाउनलोड कर रहे हो तो उसे पहले अपने मतलब मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना, उसके बाद से एक चीज करना, ओके। लॉगिन जैसे आप व्हाट्सएप पे करते हो उसी तरह होता है। तो गाइज सिंपली आपको मैंने जो जिप फाइल बना ली इसके अंदर अब सारी चीजें हैं, ये आपके फोन में जब आप खोलोगे तो इसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा आप दोबारा, ठीक है। तो अब ये क्या किया आपने, एक समझ लिया आपने एक बोरी में इन सारी PDF को भर दिया और बोरी का नाम है जिप फाइल, ठीक है। अब इस बोरी को आपको अपलोड कर देना है कहीं पर मतलब टेलीग्राम पे। तो कैसे करना, यहां सेंड पे क्लिक करेंगे हम, ओके। बहुत ही कमाल की चीज़ है गाइज, ये आपको लाइफ टाइम काम आएगी। आप PDF की जगह अपनी फोटोज ये सारी चीज़ें आप इसी तरह जिप फाइल बना के अपलोड कर सकते हो। गाइज यहाँ पे आपको टेलीग्राम चुनना है, उसके बाद से आपको सिंपली यहाँ पे सो गाइज यहाँ देख सकते हैं सेव्ड मैसेज का फोल्डर सबसे ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। ना मिले तो ऊपर देखिए सर्च का ऑप्शन है, यहाँ से भी आप सर्च करके देख सकते हो, ओके। सेव्ड मैसेज सर्च करोगे तो आपका फोल्डर आ जाएगा। अब आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है और इसके बाद देखिए लिखा है सेंड करने के लिए बोल रहा है, तो ये सेंड कर दीजिए आप। तो ये जो भी 118 MB का था ना तो वो उतने MB में अपलोड हो जाएगा यहाँ पे। और गाइज़ यहाँ पे आप जो भी चीज़ें अपलोड करते हो ना वो लाइफ टाइम तक का पड़ा रहती हैं जब तक आप उसको ऐसे लॉन्ग प्रेस करके डिलीट नहीं करते ऊपर यहाँ से, ओके। ये बहुत ही आसान तरीका है गाइज़, कोई भी आपके फ़ोन में फ़ोटोज़ पड़ी हों उसको सिंपली आप यहाँ से मतलब नीचे से अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर मैं फिर से एक बार जाता हूँ, तो गाइज़ यहाँ देखिए नीचे इस पर क्लिक करके और यहाँ से आप देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें अपलोड कर सकते हो। यहाँ देखिए दिया रहता है ऑप्शन,
ओके यहाँ देख सकते हो गाइज, यहाँ पे पीडीएफ जो भी मैंने थी सारी यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। अब क्या करूँगा, अपने मोबाइल फ़ोन में जितनी पीडीएफ है मेरी उसको वहाँ से डिलीट कर दूंगा क्योंकि मुझे अब उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, और जितनी भी फ़ोटोज़ हों, कॉलेज की यादें हों आपकी, वो भी सारी चीज़ें आप इसी में डाल दिया करो। यहाँ अनलिमिटेड चीज़ें आप डाल सकते हो, ठीक है। कोई भी अगर कोई, जैसे मान लीजिए आपको पता है टेलीग्राम पर लोग मूवीज़ पोस्ट करते हैं, तो मूवीज़ के जो मतलब लिंक होता है उसको भी आप फॉरवर्ड करके इसी ग्रुप में डाल दोगे सेव्ड मैसेज में, तो वो भी सारी चीजें सेव रहेंगी। ओके, डिफरेंट चैनल जो होते हैं टेलीग्राम पे, उन सब की मूवीज को आप फॉरवर्ड करके इसी ग्रुप में डाल दो, तो वो सारी चीजें इसी में सेव रहती हैं। तो ये देखिए गाइज, 118 MB अपने आप अपलोड हो चुका है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। और गाइज इसी तरह आपने सारे डॉक्यूमेंट, अपने फोटोज वोटोज जितनी भी आपके फाइल मैनेजर में पड़ी हैं, आप सिंपली मार्क लगा के उसका एक जीप फाइल बना लो और जीप फाइल को यहीं पर अपलोड कर दो। आई होप आप सारी चीजें समझ गए होंगे। इस तरह से आप अपने पूरे फ़ोन का भी बैकअप ले सकते हो। ओके, पूरे फ़ोन में जितने फोल्डर हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हो, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो गाइज अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं अपने फ़ोन के स्टोरेज, जो भी मेरा इंटरनल स्टोरेज है यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। सो गाइज अभी कभी कभी क्या होता है, आपका फ़ोन जो होता है आपको लगता है कि इन फ्यूचर कहीं अगर मतलब भगवान ना करे आपका कहीं फ़ोन खो जाए तो आप क्या करोगे, आपके सारे डेटा चले जाएंगे। आपको सिंपली क्या करना है, बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ मैं, जिसमें आपको सिंपली ये जो है फोल्डर को ऐसे लॉन्ग प्रेस करना है और जितने फोल्डर यहाँ ऑल सेलेक्ट कर देना है। ओके, उसके बाद से यहाँ मोर पे क्लिक करना है और यहाँ पे कंप्रेस करके यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ठीक है, ये लोड कर ले रहा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डेटा है ना तो इसलिए ये लोड ले रहा है। आपको थोड़ा देर वेट करके दिखाता हूँ। तो गाइज ये देखिए लोड हो गया, और उसके बाद से यहाँ पर हम सिंपली इसका नाम लिख देंगे, क्या मोबाइल मतलब फोन मेरा बैकअप है, तो बैकअप यहाँ पे हम लिख देते हैं बैकअप नाम से, ठीक है। और इसके बाद हम कंप्रेस पे क्लिक कर देंगे तो जितने भी फोल्डर में सारे डेटा है इस जीप फाइल के अंदर चले जाएंगे, और जब कभी मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी आप उसे कंप्यूटर से भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी और मोबाइल से जब नया मोबाइल लोगे उससे भी एक्सेस कर सकते हो, तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं खैर कंप्रेस नहीं कर रहा हूँ, आपको बता दिया मैंने सारी चीज़ें कैसे करते हैं, और पर्टिकुलरली आप किसी मतलब फोल्डर के अंदर जाके भी जीप फाइल बनवा सकते हो, मतलब बना सकते हो। जो भी आपका गूगल ड्राइव होता है उसमें सिर्फ 15 GB स्पेस मिलता है, पे अनलिमिटेड स्पेस आपको मिल रहा है अपलोड करने के लिए। इसको सेलेक्ट कीजिए, अपलोड कीजिए। अब आप गाइस क्या कर सकते हो, इसको आप लैपटॉप में क्या करोगे, इसका सॉफ्टवेयर होता है टेलीग्राम का, उसे डाउनलोड कर लोगे और उसमें जब इसी नंबर से लॉगिन करोगे तो उसमें आपके सेव्ड मैसेज में ये सारी फाइलें पड़ी होंगी, तो वहां से आप फिर से उसको डाउनलोड करोगे और ये जो जिप फाइल है उसको अनजिप करोगे, ठीक है। अनजिप करने का भी बड़ा प्रोसेस होता है, मतलब बड़ा आसान प्रोसेस होता है, उसके लिए आपको सिंपली कैसे करते हैं अनजिप वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। सो गाइज अगर कोई फाइल आप वहाँ से डाउनलोड भी करते हो टेलीग्राम से तो उसे अनजिप कैसे करना है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये मैंने अभी जिप फाइल बनाई ना, इसको अब क्या करूँगा, मैं इसको ऐसे लॉन्ग प्रेस करूँगा और यहाँ पर देखिए लिखा है मोर, ठीक है, मोर के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ गाइज देखिए लिखा है एक्सट्रैक्ट फाइल, एक्सट्रैक्ट मतलब इस बोरे को खोल देना, ठीक है। अब इस बोरे को मैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करूँगा तो थोड़ी देर बाद अपने आप ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा कि एक्सट्रैक्टिंग हो रही है, तो यहाँ थोड़ा वेट कर लेते हैं गाइज। ये देखिए लगभग हो चुकी है और ये हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए गाइज यहाँ पे जीप फाइल तो है ही है मेरी, अब मगर ये जो इसका एक थंबनेल नाम था ना, थंबनेल नाम से यहाँ पे देखिए एक फोल्डर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप अनजिप भी कर सकते हो अपनी फाइल को। ओके, अनजिप करने के बाद आप क्या कर सकते हो, ये जो थंबनेल वाला जो आपकी जिप फाइल है इसे डिलीट कर लो क्योंकि फालतू में स्टोरेज ले रहा है। ओके, इसे आपको डिलीट कर देना चाहिए। और गाइज आप सबको एक चीज़ और बता दूं, जब यहाँ पे आप सारी चीज़ें अपलोड हो जाती है ना तो एक्चुअली टेलीग्राम ऐप जो है इसका स्टोरेज आपका आपके फ़ोन लोकल ड्राइव में बनाए रहता है, तो आपको उसको खाली कर देना चाहिए। यहाँ पे क्लाउड में तो स्टोरेज हो ही रहा है मगर आपके जो ये ऐप है ना, इस ऐप के कैशे मेमोरी में भी ये इतना स्पेस ले रहा है। तो गाइज अभी आपको जब सारी चीज़ें आप अपलोड कर देते हो तो यहाँ देखिए 1 MB और 118 MB ये ले लिया होगा, ठीक है, ये ऐप। तो अभी आपको अपने पास से डिलीट कर देना है ये चीज, और सोच रहे हो आप लोग क्लाउड पे पड़ा रहे, क्लाउड का मतलब इस ऐप में, इस ऐप के सर्वर पे पड़ा रहे, तो आप क्या करोगे, सिंपली बैक करोगे, यहां 3 डंडे पे क्लिक करोगे, इसके बाद से यहां सेटिंग पे क्लिक करोगे, और उसके बाद से गाइज यहां पे आपको जाना है डेटा एंड स्टोरेज में, इसके बाद से आपको यहाँ पे स्टोरेज यूजर्स पे जाना है, उसके बाद से यहाँ पर देखिए लिखा है क्लियर टेलीग्राम कैशे, ठीक है, ये वाला ऑप्शन जो है इस पर आपको टैप करना है, और यहाँ देखिए गाइज इसको सिंपली आपको यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट जो था मैंने जिप फाइल अपलोड की थी, तो यहाँ देखिए दोनों को मिला के लगभग 219 MB का हो गया है, तो यहाँ पर हम सिंपली ऑल क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो मुझे मेरे स्टोरेज इतना मुझे फ्री हो गया, मेरे मतलब जो भी इंटरनल स्टोरेज था जो इस ऐप ने लिया था अपलोड किया था, जो भी मैंने जिप फाइल उसका साइज़ भी इसमें अपलोड
डाउनलोड किए हो फाइलें, इनको देखिए आप यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह कि ये सर्वर पे तो अपलोड हो गई और आपके फोन से डिलीट हो गई। और गाइज कभी भी इसको शेयर करना हो तो आप अपने किसी दोस्त को भी बहुत आसानी से बिना डाउनलोड किए शेयर कर सकते हो। सिंपली लॉन्ग प्रेस करो और यहाँ से देखिए फॉरवर्ड करने का ऑप्शन देता है, तो यहाँ पे जो भी आपका दोस्त नीचे दिया होगा, मतलब जो भी दोस्त, उसको फॉरवर्ड कर दोगे तो वो भी सिंपली डाउनलोड कर सकता है बड़ी आसानी से। आपको बता दूं टेलीग्राम व्हाट्सएप से लाखों गुना अच्छा है इसमें, क्योंकि क्लाउड फीचर है। और दोस्तों जो भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो थोड़ा लेट में जाता है, इसमें हर एक चीज़ पहले चली जाती है, मतलब तुरंत जाती है हर एक चीज़, लो से लो इंटरनेट कनेक्शन में भी ये चीज़ हो जाती है। ओके सो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। और गाइज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करना यार, ताकि उनको भी ये इंपॉर्टेंट बात पता चल सके कि कैसे वो अपना बैकअप ले सकते हैं। वीडियो को लाइक करना तो मत भूलना। ओके गाइज ये मेरा आइडिया था, आई होप आपको ये पसंद आएगा। बाय बाय, जय हिंद।